जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है देश की सागरी सुरक्षा। 11 को कल 13 साल पूरे होने वाले हैं। इस 13 साल के अंदर हमारी सागरी सुरक्षा में क्या सुधार आया है, आज हम क्या कर रहे हैं और अगर सागरी सुरक्षा को और मजबूत करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस अलग अलग पहलू के ऊपर हम बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं 26/11 को 13 साल पहले क्या हुआ था। हुआ ये था कि 10 दहशतवादी एक पाकिस्तानी बोट में बैठ के, जो लश्करे तोयबा के थे जिसमें कसब भी शामिल था, ये निकले पाकिस्तान से। जब वो हमारी हद के समुद्री हद के अंदर आए तब वहाँ पे उनको कुबेर नाम की हमारी एक बोट मिली। उन्होंने अपने आप को इस बोट में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद वो कुबेर में बैठ के वो हमारा जो कुलाबा एरिया है मुंबई का, वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पे वो रबरी बोट में बैठ के, जिसे डिंगी बोला जाता है या जिसे ये रबरी इन्फ्लेटेबल बोट होती है, इसमें बैठ के कुलाबा का जो मच्छीमार नगर है वहाँ पे आके पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने अपने आप को चार ग्रुप में बांटा, तीन अलग अलग होटल्स जिसमें होटल ताज है, होटल ट्राइडेंट है वगैरह, वहाँ पे जाके पहुँचे। दो पहुँचे वीटी स्टेशन के ऊपर और उसके बाद अगले तीन दिन उन्होंने देश में कितना बड़ा हिंसाचार किया मुंबई में, जो हमारी आर्थिक राजधानी है, ये बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड है। इसे टीवी के ऊपर अच्छी तरह से कवर किया था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगा कि उसके बाद जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज, जो 51 और 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप्स के थे, उनकी जिनकी संख्या 250 के आसपास थी, वो वहाँ पे आके पहुँचे और 8 दहशतवादियों को मारा गया होटल्स के अंदर। जो NSG ने वहाँ पे काम किया, ये जो कमांडोज थे ये भारतीय सेना के अधिकारी और सैनिक थे, उन्होंने वहाँ पे उनको मारा, जिसमें हीरोज थे एक मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जिन्होंने 2 दहशतवादियों को मारा, उनको बाद में अशोक चक्र मरणोपरांत से गौरव किया गया। उसके बाद दूसरे थे हवालदार गजेंद्र सिंह, जो पैरा स्पेशल फोर्सेस के इंडियन आर्मी के थे, बहुत बढ़िया थे, जो हेलीकॉप्टर की मदद से होटल के ऊपर उतरे थे, उनका भी वहाँ पे देहांत हो गया, उनको भी अशोक चक्र से गौरव उनका किया गया। और उसके बाद एक जो दहशतवादी था वो जीवन पकड़ा गया, कसब, जिसके बारे में आपको पता है, और एक को मारा गया जिसे मारने का श्रेय दिया जाता है ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओबाड़े को, जिसने उसको मारा, और तुकाराम ओबाड़े का इसमें डेथ हो गया और तुकाराम ओबाड़े को भी बाद में अशोक चक्र से गौरव किया गया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि तुकाराम ओबाड़े ने इसके पहले भारतीय सेना में जवान के तौर पे 17 साल की नौकरी की थी और उसके बाद वो मुंबई पुलिस में शामिल हो गया था। तो ये कार्रवाई उस दिन हो गई थी। आज अभी क्या हालात है, अभी जब तक सिक्योरिटी एजेंसीज का सवाल है, हमारी जो सिक्योरिटी है समुद्र किनारे की, ये तीन स्तरीय है, यानी कि तीन स्तरों के ऊपर इसकी रक्षा की जाती है। समुद्र किनारे से लेकर 20 नॉटिकल माइल का समुद्र की रक्षा कोस्टल पुलिस या सागरी पुलिस करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत बाद में करेंगे। इनके पास पेट्रोलिंग बोट्स है, अलग अलग पुलिस स्टेशनों को कोस्टल एरिया में अभी तैनात किया गया है और 20 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की जो एरिया है उसकी रक्षा इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक दल करता है। कोस्ट गार्ड को जो समुद्र किनारे की भी जो वाटर्स है इसके अंदर भी पेट्रोलिंग और काम करने के लिए परमिशन दिया है। और 200 नॉटिकल माइल के बाद इंडियन नेवी या भारतीय नौदल है जो इसकी रक्षा करते हैं। तो अगर आप अचीवमेंट देखेंगे कि पिछले साल में क्या हुआ,
तो आपको पुलिस के रिकॉर्ड के ऊपर कुछ खास चीज़ें नज़र नहीं आती, ना इंडियन नेवी के वेबसाइट के ऊपर कोई चीज़ नज़र आती है, लेकिन कोस्ट गार्ड ने कुछ ऑपरेशन किए हैं जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे, जिसके अंदर ड्रग्स बहुत संख्या में पकड़े गए हैं, हजारों कोटी रुपए के ड्रग्स पकड़े गए हैं तमिलनाडु कोस्ट के पास, जो श्रीलंका से या मालदीव से आ रहे थे, कुछ गुजरात कोस्ट लाइन के पास भी पकड़े गए हैं, और आपको लेटेस्ट पता है कि कंटेनर में भी एक पोर्ट के अंदर ड्रग्स आए थे जिनकी कीमत 3,000 कोटी थी। तो आज सुरक्षा एजेंसीज है, कोस्टल पुलिस है, उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड है, और उसके बाद नेवी है, इनके पास अलग अलग प्रकार की बोट्स है, इनके पास हेलीकॉप्टर्स है, इनके पास फिक्स विंग एयरक्राफ्ट है। और जब तक समुद्र किनारे का लंबाई के बात है, इसकी लंबाई तकरीबन 7,600 किलोमीटर के आसपास है, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, तकरीबन 9 हमारे राज्य है जिनको कोस्ट है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद वेस्ट ओडिशा और वेस्ट बंगाल है, ये स्टेट्स हैं जिनको कोस्ट है, और 4 यूनियन टेरिटरीज है जिसमें दीव दमन है, जिसमें गोवा है, जिसके अंदर पुडुचेरी है वगैरह वगैरह। तो ये कोस्टल एरिया के साथ इनका संबंध है, और उनकी सुरक्षा का संबंध सागरी सुरक्षा से बहुत ज़्यादा है। इसके सिवाय अलग अलग काफ़ी सारी एजेंसीज है जो इसमें अपना मदद करती है। एग्जाम्पल, जो हमारी बड़ी पोर्ट्स होती है, जैसे कि मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, चेन्नई पोर्ट है, कलकत्ता पोर्ट है, तो इस बड़े बड़े जो पोर्ट्स है, इसकी सुरक्षा CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के पास है। इसके बाद जो प्राइवेट पोर्ट्स है, यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज ये काम करती है। इसके सिवाय हमारी काफ़ी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये काम करते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, पुलिस की अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज है, CID है, स्पेशल ब्रांच है वगैरह वगैरह। इसके सिवाय नेवी की भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कोस्ट गार्ड की भी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, और ये बताया गया है कि कोस्टल सिक्योरिटी के लिए जो इंटेलिजेंस है, इसकी कोऑर्डिनेशन का काम, या जिसे बोला जाता है लीड इंटेलिजेंस एजेंसी, ये इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक दल को दिया है। हर मंथ में ये मिलते हैं, गुप्तहेर वार्ता जो है इसे शेयर करते हैं, एक्शनबल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं, ये अभी हो रहा है। इसके सिवाय हमारे पास कुछ टेक्निकल एजेंसीज है, टेक्निकल इंटेलिजेंस है, जिसका नाम है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग मैसेजेस को इंटरसेप्ट करता है, जो समुद्र के ऊपर रक्षा रख सकता है। तो इन्होंने भी काफ़ी बार कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, जिससे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ये हुए हैं। लेकिन अगर आप पिछले कुछ महीनों का हालात देखेंगे, तो अभी हमारे इलाके में ड्रग्स ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले जो धोखा था वो दहशतवाद का था। दहशतवाद किस प्रकार का, 26/11 जैसे हल्ला जब ये समुंदर से आए, या बॉम्ब ब्लास्ट जिसका सामान कोस्टल एरिया में लाया जाता था, जैसे कि मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए 1993 में, 13 जगह पे ये ब्लास्ट हुए, तो उसका सामान जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये उतारा गया था और बॉम्ब ब्लास्ट हुए। तो लेकिन अगर आप पिछले 5-6 साल की बात देखेंगे, तो आज हमारे देश में जो बंदूक का दहशतवाद है या बॉम्ब स्फोटों का जो दहशतवाद है, ये केवल अभी कश्मीर वैली के अंदर सीमित है, और देश का जो बाहर वाला इलाका है, खास तो कोस्टल एरिया, यहाँ पे इस प्रकार के दहशतवादी हल्ले नहीं हुए हैं या बॉम्ब स्फोट नहीं हुए हैं, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण है कि जिस प्रकार से हमने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान से किए थे, जो ज़मीन के ऊपर से हुआ था, जो बालाकोट में बाय एयर भी किया गया था, इससे पाकिस्तान डरता है कि इस प्रकार के बड़े हल्ले नहीं होने चाहिए, इसलिए दहशतवादी हल्ले जो है वो अभी कश्मीर वैली में सीमित है। लेकिन क्या हमारी सागरी सुरक्षा को और धोखे नहीं हैं? हमारी सागरी सुरक्षा को बहुत प्रकार के अलग अलग धोखे हैं, ये सभी
अनकन्वेंशनल है, यानी कि नेवी की लड़ाई यहाँ पे होने का इरादा शक्यता बिल्कुल नहीं है, यानी कि चाइनीज नेवी या पाकिस्तानी नेवी के विरुद्ध हमारी नेवी, ये मुकाबला होने की शक्यता बहुत ही कम है। लेकिन अनकन्वेंशनल यानी कि मैं उसके कुछ चीज़ें आपको बोलता हूँ जिसे जिसका धोखा हमारी कोस्ट लाइन को है। एक है इलीगल ट्रेड, ये बहुत चलता है गुजरात कोस्ट लाइन से, ये दुबई से होता है, पाकिस्तान से आ सकता है या और कहीं से। या दूसरा होता है स्मगलिंग, स्मगलिंग बांग्लादेश कोस्ट लाइन से होती है, स्मगलिंग पाकिस्तान के कोस्ट से होती है, स्मगलिंग जो है दुबई से होती है। स्मगल क्या होता है? स्मगल होता है सोना यानी कि गोल्ड, स्मगल होता है अफू गांजा चरस यानी कि नरकोटिक्स, स्मगल होता है आप होता है फेक इंडियन करेंसी नोट्स यानी कि झूठे नोट्स, ये सब स्मगल किया जाता है। स्मगलिंग से देश का नुकसान होता है, देश में गैरकानूनी तरीके से चीज़ें अंदर लाई जाती है जिससे हमारा आर्थिक नुकसान भी होता है और सबवर्शन भी हमारे देश में ये बढ़ता है। तो एक है इलीगल ट्रेड या दूसरा है स्मगलिंग। तीसरी बात जो होती है वो होता है पोचिंग, यानी कि हमारे एरिया में आके दूसरे देश के जो जहाज़ है वो मच्छियाँ पकड़ते हैं। ये खास तो दो जगह पे होता है, हमारी जो दो आइलैंड टेरिटरीज है, एक है अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पे काफ़ी सारी जो फिशिंग बोट दूसरे देश की है वो इलीगल फिशिंग के लिए आती है जिसे पोचिंग के नाम से पुकारा जाता है। यही पोचिंग होता है हमारा जो लक्षद्वीप और मिनिका आइलैंड का जो एरिया है, वहाँ से कुछ श्रीलंका के आते हैं, वहाँ पे और कुछ देशों के आते हैं। तो हमारा जो सागरी सुरक्षा का जो एरिया है, जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसकी रक्षा करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी देश की साधनों के ऊपर दूसरे देश वहाँ पे उल्टा काम कर रहे हैं। आपको पता है कि दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हमारे समुद्र किनारे से 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है, समुद्र है, वो हमारा है और वहाँ पे जो भी कुछ मिलेगा, मच्छी है या इसके सिवाय अगर आप माइनिंग करते हैं डीप सी माइनिंग, वहाँ पे तेल मिलता है, वहाँ पे गैस मिलता है, वहाँ पे रेयर मिनरल्स मिलते हैं, नूडल्स मिलते हैं, ये सब। और जिस प्रकार से अमेरिका जो बॉटम के ऊपर जो शेल नाम की से ऑयल निकाल रहे हैं, तो वो भी हमारे इलाके में है, शायद उसकी टेक्नोलॉजी आज हमारे पास नहीं, लेकिन आ जाएगी आने वाले दिनों के अंदर। तो ये जो इसकी सब नेचुरल संपत्ति का हमारा रक्षा करना हमारी सुरक्षा एजेंसीज का काम है, जिसमें अभी हम कम पड़ते हैं। इसके सिवाय जो नेक्स्ट धोखा जो है वो है पायरेसी, यानी कि कुछ पायरेट्स हमारे इलाके में आ सकते हैं। ये धोखा अभी बहुत ही कम हुआ है, इसकी फिक्र अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन शायद सोमालिया के पायरेट जो हमारे इलाके में गुजरात कोस्ट लाइन के ऊपर शिप ब्रेकिंग के कारण पहुंच गए थे, अभी नहीं आ रहे, लेकिन पहले थोड़े बहुत आ जाते थे। इसके सिवाय जो नेक्स्ट धोखा है दहशत हल्ले का, उसकी ज़्यादा अभी फिक्र नहीं है। और जो धोखा है वो है इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन, यानी कि बांग्लादेशी जो हमारे देश में छुप के आते हैं, ज़मीनी सीमा से आते हैं, वो तो आपको पता ही है, जो वेस्ट बंगाल से आते हैं, इसके बारे में बहुत बार इस विषय के ऊपर अभ्यास हुआ है, धोखा पता है। लेकिन जो समुंदर से आते, क्योंकि आज का विषय सागरी सुरक्षा का है, अगर आप मीडिया के आर्टिकल्स देखेंगे, वेस्ट बंगाल की मीडिया हो या उड़ीसा की मीडिया हो, आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे जो ये बांग्लादेशी है, ये सुंदरबन के इलाके से और कहीं से हमारे वेस्ट बंगाल में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, हमारे ओडिशा पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं। और अगर आप मीडिया की न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि तकरीब ओडिशा की कोस्ट लाइन भरी हुई है इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन से, और कुछ इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो है वो अंडमान निकोबार की तरफ भी जाते हैं। इनको रोकना हमारा
काम है। इतना ही नहीं तो हमारा जो सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया के अंदर नक्सलवाद या माओवाद या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या लेफ्ट विंग टेररिज्म ये फैला हुआ है। इसके बारे में आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले ही C-60 कमांडोज ने 26 नक्सलवादियों को मारा है, कि जो कि अच्छी बात है, लेकिन इनको एम्यूनिशन की हमेशा कमी होती है, तो ये एम्यूनिशन कोस्ट लाइन की तरफ से आता है, तो इसे भी रोकने की ज़रूरत है। तो मैंने कुछ बड़े बड़े धोखों के बारे में बताया। इतना ही नहीं तो अनकन्वेंशनल धोखे बहुत सारे हैं, मैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूँगा, क्योंकि देश के दुश्मन आज कौन है? आज हमारे देश के दुश्मन बिल्कुल साफ है, नंबर एक दुश्मन है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है जो दहशतवादी हल्ले होते हैं दहशतवादी, तीसरे है जो नक्सलवादी या माओवादी, चौथे है इल्लीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन या जिसमें रोहिंग्या भी हमारे देश में आ जाते हैं, और इनको मदद करने वाले कुछ भारतीय जो है जो हमारे देश के अंदर रहते हैं, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, ये इल्लीगल जो काम चलते हैं इसे मदद करते हैं। तो ये हमारे देश के दुश्मन है जिनको हमने पकड़ना चाहिए और कायदे के मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। तो इल्लीगल माइग्रेशन के बारे में मैंने बात की है, लेकिन जो सबवर्सिव एलिमेंट्स है इनका हमारे देश में जो बाला है काफ़ी ज़्यादा है। इसके मैं दो आपको एग्जाम्पल दूंगा। अभी बात आई थी कि गुजरात के एक बंदर के अंदर कंटेनर के अंदर कुछ ड्रग्स आए थे, 3,000 करोड़ इसकी कीमत थी। आपको पता होना चाहिए कि समुद्र का जो व्यापार होता है बड़े बंदरों में, ये कंटेनर्स में होता है। कंटेनर्स क्या होता है? एक लोहे की बहुत बड़ी पेटी होती है जिसके अंदर ये माल डाल के आता है। काफ़ी बार क्या किया जाता है, कंटेनर में जो चीज़ें है इसका नाम कुछ और होता है, लेकिन उसके अंदर से इल्लीगल चीज़ें लाई जाती है, या तो उसे आप स्मगलिंग बोलो या उसे इल्लीगल ट्रेड बोलो या कुछ और भी नाम उसे आप पुकार सकते हैं। तो इस कंटेनर के ऊपर जो माल का जो वाउचर था वो अलग था, लेकिन अंदर ड्रग्स आए थे। तो ये अभी इस कंटेनर्स को कैसे चेक किया जाए, अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है। कारण ये है कि जो स्कैनर्स लगाए जाते हैं वो बड़े बंदरों के अंदर जरूर है, लेकिन स्कैनर्स को लगाना ये बहुत कॉस्टली होता है। और स्कैनर्स क्या डिटेक्ट करता है, उस पर राइफल लाइट मशीन गन वगैरह आ रही है तो ये डिटेक्ट हो पाता है, क्योंकि उस प्रकार के स्कैनर्स है, या उसके अंदर कोई रेडियो मटेरियल आता है, यानी कि कोई दहशतवादी न्यूक्लियर बॉम्ब लाना चाहता है या डर्टी बॉम्ब लाना चाहता है, तो वो उसको डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी हमारे एरिया में हमारे स्कैनर्स में है। लेकिन जो ड्रग्स है उसे डिटेक्ट करने के लिए कोई खास स्कैनर नहीं है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ट्रैकर डॉग्स का या स्निफर डॉग्स का, जो स्निफ करके बता सकते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन आज ये पता होना चाहिए, बड़े बंदरों के अंदर तो सुरक्षा थोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन जो छोटे बंदर है जहाँ जिसे नॉन मेजर पोर्ट्स के नाम से पुकारा जाता है, जहाँ से ट्रेड होता है इंटरनेशनल ट्रेड, कहीं से मैंगनीज ओर जाता है, कहीं से कुछ और जाते हैं, कोल वगैरह वगैरह, तो इस प्रकार के जो ये बंदर है वहाँ की जो सिक्योरिटी है, जिसके लिए कोई भी जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो वहाँ पे कस्टम्स वाले आ जाते हैं, वहाँ पे रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी काम करता है, इंटेलिजेंस एजेंसी भी वहाँ पे नज़र रखे रहती है, लेकिन वहाँ से कुछ इस प्रकार की गैर कानूनी कार्रवाई होने का अंदेशा जरूर है। तो इसके ऊपर किस प्रकार से ध्यान रखा जाए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को फेस करने के लिए कुछ इनोवेटिव तरीके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो मैं इसके बारे में बात करूँगा। इसके सिवाय जो हमारे सामने एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है वो है हमारी तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख फिशिंग बोट्स आज हमारे समुंदर में
फिशिंग करती है, अलग अलग स्टेट की है, अलग अलग जगह से आती है। और होता यह है कि आज हमारे देश से इलीगल ट्रेड करना है, आज हमारे देश में स्मगलिंग करनी है, देश में इलीगल बांग्लादेशियों को अंदर लाना है, देश में दहशतवादियों ने लैंडिंग करना है, तो उसके लिए लोकल जो लोग हैं, फिशरमैन है, उनकी ज़रूरत है, उनकी उनकी मदद की ज़रूरत है। यानी कि कोई भी पाकिस्तानी बोट हमारे किनारे पे आके वहाँ पे लैंड होके कुछ उल्टा काम करे आसान नहीं है। तो इसीलिए जो कोस्ट लाइन के ऊपर जो फिशरमैन कम्युनिटी है, जो कोस्ट लाइन के ऊपर जो रहते हैं, उनको उनके अंदर देशभक्ति की भावना आना, उन्होंने कुछ गैर कानूनी काम ना करना, बहुत बार उनको पता नहीं होता, उनको बोला जाता है कि आपके बोट से कुछ सामान ट्रांसफ़र करना है, सामान तो लीगल होता है लेकिन उसके अंदर कुछ इलीगल चीज़ें यानी कि ड्रग्स वगैरह उसके अंदर डाली होती है, ये फिशरमैन को पता नहीं होता है। तो इसलिए फिशरमैन ने अपने आँख और कान खुले रखने की ज़रूरत है और कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है, जिस पे अगर उनको पकड़ा जाता है पुलिस की तरफ से या कोस्ट गार्ड की तरफ से तो वो अटकने की शक्यता है, इसलिए कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है। लेकिन जो हजारों लाखों बोट हमारे जो समुद्र के अंदर है, अगर वो अच्छा काम करे, अगर वो इंटेलिजेंस बताए कि कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा है क्योंकि वो समुद्र में है, अगर कहीं जगह पर लैंडिंग हो रही है जहाँ पर लैंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो फिशिंग फिशरमैन की बोट है वो पूरी रात बाहर फिशिंग करती है और दिन के समय ये सुबह के समय ये अपना जेट्टी की तरफ या पोर्ट्स की तरफ वापस आती है। फिशरीज हार्बर होते हैं, जेट्टीज होता है जिसे लैंडिंग पॉइंट बोला जाता है, वहाँ पे वापस आते हैं। तो अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, स्मगलिंग कर रहा है, इलीगल ट्रेड कर रहा है या कुछ ये कर रहा है, तो इसकी खबर इन्हें पता होती है। तो अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज नेवी की, कोस्ट गार्ड की, पुलिस की अगर इनको इसमें शामिल कर लेती है तो हमारे आँख और कान अच्छे हो जा सकते हैं, जिससे इलीगल कार्रवाई करने की, गैर कानूनी कार्रवाई करने का जो तरीका है इसके ऊपर हम कंट्रोल कर पा सकते हैं। तो फिशरमैन ये हमारे आईज और ईयर्स है। अभी फिशरमैन के बहुत ही कम बोट है जो उल्टा काम करेंगे, तो उनको किस प्रकार से ट्रैक किया जाए इसके बारे में मैं बाद में थोड़ा बोलना चाहूँगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अभी हमारे जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे रडार्स लगे हुए हैं, जो जितने बड़ी बोट्स है ये बड़ी बोट्स को हम इस रडार के ऊपर देख सकते हैं। रडार्स का जो फीड है वो कोस्ट गार्ड के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे जाता है, उसके बाद जो जॉइंट ऑपरेशनल सेंटर्स है जहाँ पे नेवी, कोस्ट गार्ड और पुलिस के लोग एकत्र होते हैं, जो नेवी के अंडर है वहाँ पे जाता है, उसके ऊपर नज़र रखी जाती है। तो जॉइंट ऑपरेशनल सेंटर आज हमारा एक मुंबई में है, दूसरा कोची में है, तीसरा पोर्ट ब्लेयर के अंदर है, चौथा विशाखापट्टनम के अंदर है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स है, वो रडार्स का हो या ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का हो या हर एक पोर्ट्स के अंदर लॉन्ग रेंज रडार्स लगे हुए होते हैं वहाँ पे हो, ये सभी वहाँ पे जाता है और जो भी हरकत हमारे समुंदर में हो रही है उसके ऊपर ध्यान रखा जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो जो कमजोरी है वो ये है कि हमारी जो फिशिंग बोट है डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस फिशिंग बोट के ऊपर जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है वो नहीं है, तो वो लगाने की ज़रूरत है। फिशरमैन जो खास तो डेंजरस एरिया में है वहाँ पे उनको उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। जिस प्रकार का हम ट्रैकिंग करते हैं, आज हमारे कोई टाइगर है या लायन है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी या चिप लगाया जाता है, जिससे वो कहीं पे भी जाएगा तो उसे ट्रैक किया जाता है। तो जो डेंजरस एरियाज है जहाँ पे ये उल्टे काम बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे इस प्रकार की ट्रैकिंग की ज़रूरत है।
तो ये काम करने के लिए आज ट्रैकिंग को हमने बढ़ाना चाहिए। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी आगे आने वाले दिनों में ये बढ़ने वाला है, तो आशा करते हैं जल्दी से जल्दी डेंजरस एरिया में इस प्रकार की ट्रैकिंग लगेगी। खास तो मैं तीन का जिक्र करना चाहूँगा। एक तो है सुंदरबन, यानी कि जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का कोस्ट है, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र के अंदर आती है, तो वहाँ पे इस प्रकार की बहुत इलीगल चीज़ें होती है। इलीगल बांग्लादेश माइग्रेशन हो, स्मगलिंग हो, उल्टे काम करने हो, तो वहाँ पे माफ करिए, जो कुछ इस प्रकार की बोट है उसको अगर हम ट्रैक करें तो उनको ऊपर हम नज़र रख सकते हैं। दूसरा एरिया है पाक बे, यानी कि समुद्र किनारा जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, वहाँ पर भी काफ़ी सारी स्मगलिंग हो सकती है। और आपको पता है कि सबसे बड़े दहशतवादी गट जो था LTT वहाँ पे एक्टिव था, अभी वो एक्टिव नहीं है, वो मारे गए हैं, लेकिन इलीगल स्मगलिंग वगैरह होती है। और आपको पता है कि हमारे देश के एक पंत प्रधान राजीव गांधी का मृत्यु एक सुइसाइड बॉम्बर से हुआ था, जो उस तरफ से समुंदर से आया था। और इसके बाद जब तक कोस्टल एरिया महाराष्ट्र वगैरह का है, वहाँ पे दाऊद इब्राहिम कितना बड़ा सागरी दहशतवादी है इसके बारे में तो आपको पता है। आजकल वो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज करता है, खास तो स्मगलिंग, खास तो नार्को टेररिज्म इस प्रकार का, तो इस सब के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो अभी इम्प्रूवमेंट काफ़ी सारी हुई है, लेकिन अभी भी ग्लास सिर्फ हाफ फुल है और काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसमें दो चीज़ों के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। अभी काफ़ी बार हमने रिकमेंड किया था कि एक नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी एडवाइजर होना चाहिए, तो सरकार ने अभी एक नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को नियुक्त करने का फैसला किया है, जो एक नेवी का या मिलिट्री फोर्सेस का एक वाइस एडमिरल की रैंक का अधिकारी होगा, सर्विंग या रिटायर्ड, जो सभी जो अलग अलग एजेंसीज है, यानी कि अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज है, इसके सिवाय सिविल एजेंसीज है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, अलग अलग पोर्ट्स है, अलग अलग स्टेट्स है, तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा ताकि हमारी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ये होगी। तो इसके लिए अभी ये अपॉइंटमेंट जल्दी ही इसे अपॉइंट करने वाले हैं, तो मुझे आशा है जिससे हमारी जो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होगी हमारी सागरी सुरक्षा या कोस्टल सिक्योरिटी के अंदर। तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ पॉइंट कवर किया है, लेकिन आज सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा यह है कि इंडियंस कहीं पर भी हो, नेवी है, कोस्ट गार्ड है, पुलिस है, इंटेलिजेंसीज है, फिशरीज डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, अगर हमारे मन में देश प्रेम की भावना है, अगर हम हमारा काम अच्छी तरीके से करना चाहेंगे, तो हमारी क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी ये बढ़ सकती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि देशभक्त की भावना हमारे सभी के पास अंदर होनी चाहिए, वो लोकल्स जो कोस्ट लाइन के ऊपर वो है, या सिक्योरिटी एजेंसीज है, या जिसका भी संबंध सागरी सुरक्षा के साथ है, इससे हमारी क्वालिटी ये बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही काफ़ी है। इसके सिवाय इसके अलग अलग बहुत सारे पहलू है कि नेवी कोस्टल सिक्योरिटी में क्या करती है, कोस्ट गार्ड अपना काम कैसे करता है, कोस्टल पुलिस अपने काम कैसे करते हैं, जो हमारी पोर्ट्स होती है उसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाती है, हमारा जो आइलैंड टेरिटरीज है, अंडमान निकोबार आइलैंड से लक्षद्वीप आइलैंड्स, उसकी सिक्योरिटी किस प्रकार से की जाती है, ये अपने अलग अलग विषय है। इसके ऊपर आज बातचीत करने के लिए समय नहीं है, आने वाले समय के अंदर हम इसे भी कवर करेंगे। आज मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि हम हमारे देश को और ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। मैं रुकता हूँ। जय हिंद।